दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव क्यों रखा। यही सवाल मीडिया ने जब ममता बनर्जी से किया तो इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि लोकसभा की लड़ाई के लिए सवाल किया जाता है कि आपका चेहरा कौन, इसलिए खड़गे का नाम पीएम पद के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया। साथ ही ये भी बताया कि खड़गे के नाम से ना नीतीश नाराज है और ना ही लालू। हाँ, किया था। और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। हाँ, क्या है? नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। बंगाल वाली दीदी सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी है। मीडिया के सामने आई तो जो बताना था वो छुपा गई, जो छुपाना था वो बता गई। लेकिन सियासी जानकार बता रहे हैं कि आखिर खड़गे को पीएम फेस के तौर पर पेश करने के पीछे की असली वजह क्या है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि खड़गे का नाम ही क्यों। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाया जाता है तो विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि हम देश को पहला दलित पीएम देने जा रहे हैं, इससे देश की बड़ी दलित आबादी उनका समर्थन कर सकती है। देश का एक बड़ा धड़ा गैर गांधी चेहरा सत्ता में चाहता है, खड़गे उनके लिए एक विकल्प हो सकते हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी गांधी परिवार के खिलाफ कई बार राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। माना जाता है कि स्थानीय दल गांधी परिवार के बजाय खड़गे के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। इस बार कांग्रेस को कर्नाटक में बंपर सीटों से जीत मिली है, जबकि भाजपा ने बजरंगबली जैसे मुद्दे भी उठाए, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण के बेल्ट में भाजपा को भी बढ़त मिल रही है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण की करीब 130 सीटों में से केवल 30 सीटें जीती थी। खड़गे को लाकर विपक्ष भाजपा को यहां और कमजोर कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संगठन का काफी अनुभव है। वे कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं, उनमें सबको एकजुट रखने की क्षमता है। वे गठबंधन में भी सबको एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें तालमेल बैठाने वाले नेताओं में गिना जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।